फ्रेंड्स, सो वी आर टुडे डिस्कसिंग होमवर्क सेक्शन ऑफ बीआरएस. स्टार्ट करने से पहले इफ यू रिमेंबर कौन सी बुक में एंट्री बाकी है कौन से साइड बाकी है जिस साइड बाकी है उस साइड बी में रिकॉर्ड करते जाना है कैश बुक डेबिट पास बुक क्रेडिट बैंक बैलेंस कम होता है कैश बुक क्रेडिट पासबुक डेबिट तो यहां पे क्वेश्चन वन देखेंगे आप लोग अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ श्री गोपी देर वॉज अ बैलेंस ऑफ फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड स्टैंडिंग टू हिस्स क्रेडिट इन बैंक ऑन थर्टीएथ जून आप इसे पढ़ो देर इज सम्रॉब्लम विद इंग्लिश अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी मतलब कैश बुक ऐसा बोल रहा है कि फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड का बैलेंस बैंक में है एट इट्स क्रेडिट तो कैश बुक ऐसा बोल रहा है कि बैंक में क्रेडिट बैलेंस फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड है मतलब ये एक्चुअली है कि नहीं वो तो पासबुक देख के पता चलेगा कैश बुक देख के हमको पता चलता है बैंक में पासबुक में क्रेडिट बैलेंस फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड है ना सो दिस इज दिसंस एज पर कैश बुक गिवन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप लोग को हमेशा लगेगा सर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है नो अकॉर्डिंग टू कैश बुक पासबुक इज हैविंग दिस बैलेंस मतलब कैश बुक इज हैविंग डेबिट बैलेंस बैलेंस ऑफ पासबुक एक्चुअली माइट बी डिफरेंट कैश बुक को ऐसा लगता है कि ये बैलेंस है पासबुक सो दिस इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फ्रेंड्स रीजन ऑफ डिफरेंस दिए हैं यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अर अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक मतलब एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करना है और फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है ना इफ यू आर प्रिपेयरिंग बी आर एस आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक तो वो एंट्रीज जो कैश बुक में बाकी थी वो तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी तो अब अगर आप BRS प्रिपेयर कर रहे हो बी आर एस में कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे सर सिर्फ वो एंट्रीज जो पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी है Since you have already prepared कैश बुक, कैश बुक के बाद अगर BRS बनेगा, तो बी आर एस में कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड होगी ओनली दो विच आर लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड इन पासबुक तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ एडजस्टेड कैश बुक This is Cash Book Bank Balance Bank Column. To start with, opening balance on thirtieth June ninety six. ओपनिंग बैलेंस हमको दिया है 44,500 कैश बुक के हिसाब से तो वो डेबिट बैलेंस ही है सर करेक्ट फर्स्ट दिया है चेक अमाउंटिंग टू सिक्स थाउजेंड इशू टू क्रेडिटर्स है फॉर पेमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ है कहा रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में हो गया सर कहा बाकी है पासबुक में बाकी है तो ये एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा एडजस्टेड कैश बुक में तो वही चीजें रिकॉर्ड होगी जो कैशबुक में बाकी है सेकेंड दिया है चेक्स चेक्स पेड बैंक लाख लाख मतलब 1, 5, के बाकी है कहा एंट्री बाकी है पासबुक में अगेन बुक में हो चुका है डिविडेंड ऑफ फोर थाउजेंड एंड रेंट ऑफ सिक्स थाउजेंड रिसीव बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक तो यह कैश बुक में एंटर करना पड़ेगा डिविडेंड एंड रेंट दोनों मिल रहा है तो so, कैशबुक में डेबिट साइड एंट्री होगा टू डिविडेंट एंड टू रेंट नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक अगेन कैश बुक में एंटर करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पेमेंट साइड कैश बुक अंडर कास्ट पेमेंट साइड टोटलिंग कम था तो रेक्टिफाई करने के लिए सेम साइड इफेक्ट देंगे कैश बुक में क्रेडिट करेंगे अंडर कास्ट इन पेमेंट साइड बैंक चार्जेस फिफ्टी शोन इन पासबुक नॉट इंटर कैश बुक तो अगेन वी विल एंटर दैट इन कैश बुक बैंक चार्जेस पेमेंट साइड आएगा बिल पेबल टू थाउजेंड हैज बीन पेड बाय बैंक बैंक ने पे कर दिया है तो so बैंक ने पासबुक में एंट्री दे दिया है क्लियरली लिखा है नॉट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कैशबुक में सिंस इट इज पेमेंट पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बाइ आल्सो ऑल्सो बिल रिसीवेबल ऑफ सिक्स थाउजेंड बिन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ हंड्रेड सिक्स थाउजेंड का बिल रिसीवेबल है डिस्काउंट करवाया बैंक से बैंक ने हंड्रेड रुपीज चार्ज डिडक्ट किया डिस्काउंट डिडक्ट किया इंटरेस्ट डिडक्ट किया पेमेंट कितना दिया 5,900 हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया बाय 5,900 तो करेक्ट बैंक बैलेंस

So we will now prepare BRS. आरएस स्टार्ट कहां से करेंगे वी मे स्टार्ट विद दिस करेक्ट बैलेंस बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फिफ्टी फाइव सिक्स हंड्रेड और अब बी आर एस में क्या रिकॉर्ड करना है खाली वो एंट्रीज जो पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी है ओनली दोज एंट्रीज विच आर लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड इन पासबुक फर्स्ट एंट्री चेक अमाउंटिंग टू सिक्स थाउजेंड इशू टू क्रेडिटर्स नॉट बिन प्रेजेंटेड चेक इशू किया मतलब चेक दिया तो बैंक बैलेंस कम हुआ कैश बुक में क्रेडिट हो चुका है पासबुक में डेबिट होना बाकी है डेबिट करेंगे बी आर एस में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड के चेक्स पेड बैंक मतलब डिजिट किए थे किए थे तो कैश बुक में डेबिट हो चुके हैं बैंक ने अभी तक फिफ्टी फाइव थाउजेंड के चेक्स ही कलेक्ट किए हैं मतलब पासबुक में क्रेडिट साइड फिफ्टी फाइव थाउजेंड ही रिकॉर्ड हुआ है थाउजेंड बुक में डेबिट हो गया फिफ्टी फाइव थाउजेंड ही पासबुक में क्रेडिट हुआ तो रिमेनिंग फिफ्टी थाउजेंड पासबुक में क्रेडिट होना बाकी है इज लेफ्ट टू बी क्रेडिटेड इन पासबुक तो विल क्रेडिट दैट इन बी आर एस चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर और क्रेडिटेड फिर डिविडेंड की एंट्री कैश बुक में बाकी थी रेस्ट ऑल दी एंट्रीज वर लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक तो हम लोग क्लोज करेंगे We will find out balance. 1,15,600 minus 55,000. 65,600. Started with cash book. So, this is balance as per passbook. We will say this is bank balance as per passbook. Bank balance as per passbook. So please pause and copy. क्वेश्चन थ्री देखेंगे अब होमवर्क सेक्शन क्वेश्चन नंबर थ्री वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन थर्टी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थ्री स्टार्ट with, हमको दिया है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक विच इज अ क्रेडिट बैलेंस टेन थाउजेंड तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ टेन थाउजेंड हम लोग एक कैश बुक और पासबुक ड्रॉ कर लेंगे फिर दिया है डिपोजिटेड इन टू बैंक बट नो एंट्री वॉज पासड इन कैश बुक फाइव हंड्रेड डिपोजिट किया है कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ रिमेंबर पासबुक के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं दे आर स्पेसिफाइंग ओनली लुक एट दैटेक इन कैश बुक दे आर सीटेड इंक्रीज डिपोजिट किया है तो बैलेंस बढ़ेगा कैश बुक में किस तरफ एंट्री नहीं हुआ है डेबिट साइड तो फाइव हंड्रेड विल बी डेबिटेड इन बी आर एस चेक डिपोजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू दैंक एट ऑल वी है तो वो कैश बुक में डेबिट कर दिया होगा बैंक में भेजा ही नहीं है डिपोजिट ही नहीं किया है तो पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है किस तरफ नहीं हुआ है क्रेडिट साइड नहीं हुआ है तो वी विल क्रेडिट दैट इन बी आर एस जिस तरफ एंट्री बाकी है उस तरफ रिकॉर्ड कर देंगे check received but not sent to bank 1200 insurance premium paid directly by bank इंस्ट्रक्शन दे के रखा था और बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है अच्छा बैंक ने पे कर दिया है तो बैंक मस्ट so है कैश बुक में नहीं हुआ है पेमेंट सो ड्यू टू दिस पेमेंट योर बैंक बैलेंस विल रिड्यूस कैश बुक में किस तरफ एंट्री नहीं हुआ है क्रेडिट साइड सर पेमेंट दिया है बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा क्रेडिट करेंगे इन बी इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस से बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा कम होगा सर कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड लेकिन एक बार ही रिकॉर्ड होना चाहिए था हमने दो बार क्रेडिट कर दिया है तो एक बार जो एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है एक बार जो एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है उसको, कर उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे बैंक चार्जेस क्रेडिटेड ट्वाइस इन कैश बुक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू दी बैंक फॉर पेमेंट चेक इश्यू कर दिया दे दिया किसी को जिस दिन चेक दिया कैशबुक में क्रेडिट कर दिया था प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ चेक इशू किया तो बैंक बैलेंस कम होगा किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ डेबिट साइड विल डेबिट दैट इन बी आर एस चेक इशूड बट Not presented for payment. Check issued but not presented for payment. 500. Then checks received. Entered twice in cash book. We have received checks. रिकॉर्ड तो कर दिया है वो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड को हमको कैंसिल करना है कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइड इफेक्ट देंगे तो वन थाउजेंड विल बी क्रेडिटेड इन बी आर चेक रिसीव रिकॉर्डेड वाइस इन कैशबुक बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड बिल अगर डिस्काउंट करवाया था मतलब बिल बैंक को देके बैंक से लोन ले लिया था पैसा ले लिया था इफ दैट बिल इज डिसऑनर्ड बैंक वो सारा पैसा हमसे वापस ले लेगी डिस्काउंटेड बिल इज गेटिंग डिसऑनर्ड हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में किस तरफ क्रेडिट साइड तो 5,200 विल बी क्रेडिटेड इन बीआरएस Now we'll find out the balance. थाउजेंड नाइन एटी स्टार्टेड विथ पासबुक सो दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है तो हम बोलेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक करेक्ट पॉज इन कॉपी क्वेश्चन फोर फ्रेंड्स क्वेश्चन फोर क्या इंफॉर्मेशन दिया है फ्रॉम पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन थर्टी सेप्टेंबर टू स्टार्टिंग स्टेटमेंट दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट टेस्ट पर पासबुक बैंक ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट टेस्ट पर पासबुक इज विच बैलेंस डेबिट बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट पर पासबुक इज विच बैलेंस इट इज डेबिट बैलेंस फिर वो लोग बोल रहे हैं चेक डिपॉजिट किया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक चेक डिपॉजिट किया है तो बैलेंस बढ़ेगा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है किस तरफ डेबिट साइड विल डेबिट दैट इन बी चेक डिपोजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्ट डेबिट साइड बैंक कॉलम अंडर कास्ट है मतलब टोटलिंग शॉर्ट है तो रेक्टिफाई करने के लिए सेम साइड इफेक्ट देंगे अंडर कास्ट है तो ऑलवेज सेम साइड इफेक्ट इफ देर इज ओवर कास्ट अपोजिट साइड इफेक्ट तो डेबिट साइड अंडर कास्ट है हम लोग सेम साइड इफेक्ट देंगे डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे बी में

तो फोर रूपीज हम लोग बी में क्रेडिट कर देंगे रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक फिर दिया है पार्टीज चेक रिटर्न डिसऑनर्ड एज पास एज पर पासबुक ओनली पार्टी का चेक जब हमें मिला था हमने कैशबुक में डेबिट कर दिया था अब अगर डिसऑनर हो गया है तो वो डेबिट एंट्री कैंसिल करने की जरूरत है तो पासबुक में क्रेडिट साइड एंट्री होना बाकी है विल क्रेडिट दैट इन पार्टी चेक डिसऑनर्ड बिल्स कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक इफ बिल्स आर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक पासबुक में तो एंट्री हो गया होगा कहा बाकी है कैशबुक में बाकी है सर बैंक बैलेंस बढ़ रहा है बिल कलेक्ट किया है बैंक ने बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो कैशबुक में किस तरफ एंट्री बाकी है डेबिट साइड तो थर्टी फाइव हंड्रेड हम लोग डेबिट कर देंगे बी आर एस में बिल्स कलेक्टेड

एक बार जो एक्स्ट्रा लिख दिया है वो एक्स्ट्रा एंट्री को कैंसिल करना है तो वो एक्स्ट्रा एंट्री को क्रेडिट में से कैंसिल करने के लिए डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे तो 25 विल बी डेबिटेड इन बीआरएस, बैंक चार्जेस क्रेडिटेड ट्वाइस इन कैश बुक

प्लस पंद्रह रुपए नोटिंग चार्जेस का भी लेगी तो 8015 से हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा किस तरफ रिकॉर्ड होना बाकी है सर कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है क्रेडिट साइड बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो 8015 विल बी क्रेडिटेड इन बीआरएस बिल्स डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड चेक डिपोजिटेड नॉट येट कलेक्टेड चेक डिपोजिट किया तब कैशबुक में डेबिट कर दिया कलेक्ट नहीं किया है मतलब पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है पासबुक में क्रेडिट होना बाकी है तो वी विल क्रेडिट टू थ्री टू जीरो इन बी आर एस चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड चेक इशूड बट नॉट येड बैंक फॉर पेमेंट चेक इशू किया है. Check जब issue किया था बैंक बैलेंस कम हो रहा है कैशबुक में क्रेडिट किया था प्रेजेंट होगा तब बैंक पासबुक में डेबिट करेगी इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब पासबुक में डेबिट नहीं हुआ तो so, बीआरएस में डेबिट कर देंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड सेवन जीरो सिक्स नाइन तो सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड बैलेंस बच जाता है क्रेडिट साइड बच रहा है So, we started with passbook. We will say this is credit balance as per cash book. That is nothing but bank overdraft. So, bank overdraft as per cash book. Bank overdraft as per cash book. Pause and copy. क्वेश्चन फाइव फ्रेंड्स क्वेश्चन फाइव ऑन थर्टी सप्टेम्बर टू थाउजेंड एटीन माई कैश बुक बैंक कॉलम अकाउंट नंबर वन सी आई माइट बी हैविंग मोर देन वन बैंक अकाउंट्स मेरा उसी बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने नंबर्स दे दिया है दिस इज माई अकाउंट नंबर वन दिस इज अकाउंट नंबर टू दिस इज अकाउंट नंबर थ्री तो यहाँ पे मैं बी आर एस फॉर अकाउंट नंबर वन प्रिपेयर कर रहा हूँ मतलब आई विल बी लुकिंग एट आई विल बी कंपेयरिंग पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर वन विद कैश बुक बैंक कॉलम ऑफ अकाउंट नंबर वन तो हमको खाली अकाउंट नंबर वन की कैश बुक और पासबुक पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो एज पर कैश बुक इट शोज बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ फोर्टी नाइन थ्री फिफ्टी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन है उट ऑफ चेक ऑन ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड वर कैश बाई बैंक ऑन सेकेंड ऑक्टोबर थर्टी सेवन हंड्रेड के चेक्स ड्रॉ किए ड्रॉ करना मतलब इशू किए दिए किसी को तो बैंक बैलेंस कम हुआ कैश बुक में हमने 26 सितंबर को क्रेडिट कर दिया पर 30 सितंबर तक पासबुक में रिकॉर्ड हो गया क्या नहीं वो एन कैश हुए प्रेजेंट हुए सेकेंड अक्टूबर को तो बैंक ने पासबुक में एंट्री कब किया होगा सेकेंड अक्टूबर को सो ऑन थर्टी सेप्टेंबर एंट्री स्टिल टू बी रिकॉर्डेड इन पासबुक सो वी विल डेबिट दैट इन पासबुक सिंस एंट्रीज स्टिल टू बी रिकॉर्डेड इन पासबुक डेबिट दैट इन बी Checks drawn, but not in cashed. Next, crossed check of seven fifty given to Abdul was returned by him, and a bearer check was issued to him. फर्स्ट ऑक्टूबर बैरर चेक इंड इन नेक्स्ट मंथ उससे हमको मतलब नहीं है हमने बैरर चेक बदले में दिया वो अगले महीने दिया उससे हमको मतलब नहीं है अभी इस महीने में क्या हुआ वॉट है उसको कैश बुक में क्रेडिट किया होगा इफ इट इज डिस नीड टू सिंपली डेबिट दैट डिसऑनर हो गया तो हमको डेबिट करना है तो सेवन फिफ्टी विल बी डेबिटेड चेक इशूड बट डिसऑनर्ड थर्ड कैश एंड चेक्स ऑफ थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड बट डिपोजिटेड

टू फिफ्टी रिटर्न बाई बैंक ऑन लेटर डेट चेक ऑफ टू फिफ्टी चेक ऑफ टू फिफ्टी बट ऑन लेटर डेट मतलब हमने डिपोजिट तो कर दिए थे लेकिन क्रेडिट नहीं हुए पासबुक में थर्टीन हंड्रेड के फर्स्ट अक्टूबर को क्रेडिट हुए और 250 के रिटर्न हो गए वो भी लेटर डेट पे 30 सितंबर तक 1300 एंड 250 दोनों का एंट्री पासबुक में क्रेडिट साइड बाकी था ना तो पूरा 1550 पासबुक में क्रेडिट होना बाकी है वे विल सिंपली क्रेडिट दैट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड next according to standing instruction bankers have bankers have on 30 september paid 320 as interest to my creditors paid LIC of 160 paid a call on my shares 600 they have also received dividend of 150 recovered insurance claims of 800 charges and commission on same being 15 रिकॉर्डेड ऑल दी अब ट्रांजेक्शन ऑन फर्स्ट ऑफ ऑक्टोबर मतलब ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होने बाकी हैं तो अब एक करके रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले थ्री ट्वेंटी इंटरेस्ट एल आई सी प्रीमियम वन सिक्सटी कॉल ऑन माई शेयर सिक्स हंड्रेड एंड बैंक चार्जेस ऑफ फिफ्टीन कैन आई से ऑल दीज आर पेमेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक थ्री ट्वेंटी फॉर इंटरेस्ट वन सिक्सटी फॉर एल आईसी प्रीमियम सिक्स हंड्रेड फॉर कॉल ऑन शेयर प्लस फिफ्टीन वन जीरो नाइन फाइव के पेमेंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए पेमेंट्स ऑफ वन जीरो नाइन फाइव नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड कलेक्शन भी किया है बैंक ने बैंक हैज कलेक्टेड वन फिफ्टी एज डिविडेंड ऑल्सो इंश्योरेंस क्लेम ऑफ एट हंड्रेड टोटल नाइन फिफ्टी इट इज नॉट बींग रिकॉर्डेड इन कैश बुक कलेक्शन डायरेक्टली मेड बाय बैंक

अकाउंट नंबर टू में डिपॉजिट किया था तो बैंक को अकाउंट नंबर टू की पासबुक में रिकॉर्ड करना चाहिए बट मेरी बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट दे दिया है मतलब गलती से मेरे अकाउंट नंबर वन की पासबुक में क्रेडिट कर दिया है सी अकाउंट नंबर टू से मुझे अभी कुछ लेना देना नहीं है आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अकाउंट नंबर वन अकाउंट नंबर वन की पासबुक में क्या यह क्रेडिट होना चाहिए नहीं ये तो किसी दूसरे अकाउंट का चेक था ये हमारी पासबुक में गलती से क्रेडिट हो गया इट इज रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक तो कैंसल करने के लिए क्या करेंगे डेबिट कर देंगे रॉन्ग क्रेडिट गिवन इन पासबुक

Wrong debited given in, wrong debit given in passport. Five two two nine five four six three nine five. We started with we started with cash book. So, this is debit balance as per passbook. And debit balance as per passbook is nothing but bank overdraft. So, bank overdraft as per passbook.

लोग दोनों का बी आर एस प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब अकाउंट नंबर वन का जब बी आर एस प्रिपेयर करेंगे book, और जब अकाउंट नंबर टू का बी आर एस प्रिपेयर करेंगे वी विल कंपेयर कैश बुक बैंक कॉलम ऑफ अकाउंट नंबर टू एंड पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर टू सी इफ यू आर में देर विल बी टू बैंक कॉलम्स बैंक कॉलम ऑफ अकाउंट नंबर वन एंड अ बैंक कॉलम ऑफ अकाउंट नंबर टू तो हमको स्टार्ट करने के लिए कैशबुक शोड बैलेंस ऑफ फिफ्टी फोर हंड्रेड एंड टू सेवेंटी फोर हंड्रेड इन बोथ दी अकाउंट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज डेबिट बैलेंस फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड अकाउंट नंबर टू में हमको बैलेंस दिया है टू सेवेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक टू लैख सेवेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड फर्स्ट ट्रांजेक्शन रुपीज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड

27,000 सेवन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अकाउंट नंबर टू टू अकाउंट नंबर टू से अकाउंट नंबर वन में पैसा ट्रांसफर किया है तो अकाउंट नंबर टू बैलेंस एंड अकाउंट नंबर टू का बैलेंस कम होगा वन का बैलेंस बढ़ेगा तो टू की कैशबुक में क्रेडिट साइड और वन की कैशबुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा ये सर टू की कैशबुक में क्रेडिट साइड ट्रांसफर टू अदर अकाउंट वन की कैशबुक में डेबिट साइड ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर वन अकाउंट नंबर टू नेक्स्ट बैंक हैज चार्ज्ड टेन फॉर ईच ऑफ टू अकाउंट्स बैंक ने चार्जेस लिए हैं दोनों अकाउंट में टेन रुपीज मतलब दोनों अकाउंट का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है दोनों की कैशबुक में क्रेडिट साइड आएगा बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक नेक्स्ट दिया है चेक फॉर फाइव फोर टू वन ईशूड इन अकाउंट नंबर वन बट नॉट प्रेजेंटेड चेक इशू किया है तो कैश बुक में क्रेडिट हो गया है प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक में डेबिट होना बाकी है वे विल डेबिट दैट इन बी आर एस फाइव फोर टू वन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड Fourth, a check of 4272 deposited by Rangnath in account number two, credited by bank in account number one. Deposit कहाँ किया था? Account number two में deposit किया था. मतलब account number two का bank balance बढ़ना चाहिए. तो account number two की passbook में credit होना चाहिए. But bank ने गलती से one की passbook में credit कर दिया. One में क्या करेंगे? One की passbook में credit हो गया है, लेकिन ये one का check तो था ही नहीं. वन की पासबुक में क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए तो वन की पासबुक में डेबिट कर देंगे उसको टू कैंसल दैट रॉन्ग इफेक्ट मतलब वन की पासबुक में डेबिट साइड एंट्री बाकी है तो वन के बी आर एस में हम लोग डेबिट करेंगे फोर टू सेवन टू रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक फोर टू सेवन टू एंड सिमिलरली इट वॉज चेक ऑफ अकाउंट नंबर टू बेसिकली वन की पासबुक में बैंक ने क्रेडिट कर दिया है मतलब टू की पासबुक में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं तो टू की पासबुक में क्रेडिट होना बाकी है तो टू की पासबुक में क्रेडिट करेंगे मतलब टू के बी आर एस में क्रेडिट करेंगे चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बैलेंस फाइन कर लेंगे वन फाइव जीरो नाइन थ्री we started with cash book so this will be balance as per passbook

Now copy. दे दिया है थर्टी वन थ्री नाइन्टी से एंड इन दैट कैश बुक क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस देखिए दिख रहा है सेवन सिक्स फोर जीरो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक ओवर ड्राफ्ट एज पर कैशबुक सेवन सिक्स फोर जीरो दे दिया है तो वी में स्टार्ट विथ दैट बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक सेवन सिक्स फोर जीरो बैंक ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट एज पर कैश बुक सेवन सिक्स फोर सीरोन चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक टेन थाउजेंड डिपोजिट तो कर दिया है लेकिन पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है तो बी आर एस में क्रेडिट करेंगे

कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ डेबिट साइड बी आर एस में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक सो देर वॉज अ ट्रांसफर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक तो कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट ट्रांसफर एक एंट्री जो पासबुक में क्रेडिट हुआ था कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है

चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड चेक इश्यू किए दे दिए किसी को प्रेजेंट नहीं हुए तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए किस तरफ डेबिट साइड तो बी आर एस में डेबिट कर देंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड थर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक सो इफ इट इज डेबिटेड बाय बैंक हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है कैश बुक में किधर रिकॉर्ड नहीं हुआ क्रेडिट साइड नहीं हुआ वन थाउजेंड बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए बैंक चार्जेस के कारण बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा कम होगा सर कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुए क्रेडिट साइड तो 340 क्रेडिट कर देंगे बी आर एस में बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक Seven six four zero plus ten thousand plus one three four zero eighteen nine eighty thirty nine six eighty 20,700. We started with cash book. So, this is credit balance as per passbook. It means it is bank balance as per passbook. आप लोग पार्ट डी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे कम टू फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर फाइव सिक्स सेवन एट ऑफ मिसेस रानी शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ थ्री थ्री फाइव सेवन फाइव

we are preparing brs of account number 5678 as on 31st march 2018 since we are following add and less method क्योंकि एड एंड लेस मेथड फॉलो कर रहे हैं देर इज नो डेबिट और क्रेडिट कॉलम डेबिट या क्रेडिट कॉलम अब नहीं है इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम है वर्किंग कॉलम और मेन कॉलम है स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमको क्या दिया वॉट इज आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ हमको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बैंक ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट पर पासबुक थ्री थ्री फाइव सेवन फाइव नाउ टेलमी बैंक ओवर ड्राफ्ट एस पर पासबुक इज डेबिट बैलेंस मतलब बीआरएस में जो भी डेबिट करना है ऑल दोस्ट विल बी एडेड बीआरएस में जो भी डेबिट करना है ऑल दोस्ट विल बी एडेड बीआरएस में जो भी क्रेडिट करना है सोचेंगे जो भी डेबिट करना है बीआरएस में अब वो ऐड होगा इस बैलेंस में जो भी क्रेडिट करना है बीआरएस में वो लेस हो जाएगा बीआरएस में लेट्स सी हम लोग सेम वैसे ही अभी भी कैश बुक पासबुक ड्रॉ करके सोचेंगे डिफरेंट लॉजिक अप्लाई नहीं करना है डिफरेंट लॉजिक अप्लाई करके रिकॉर्ड करना है चलिए फर्स्ट पॉइंट चेक ऑफ वन जीरो एट जीरो क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन ट्वेंटी ट्वेंटी देर वॉज नो एंट्री इन कैश बुक अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक अंटिल फिफ्टींथ एप्रिल चेक था जो पासबुक में क्रेडिट हो गया था मतलब डिपॉजिट किया था हमने कैश बुक में डेबिट भी हो गया था पासबुक में क्रेडिट भी हो गया था यह चेक डिसऑनर कब हुआ सर यह चेक डिसऑनर हुआ ऑन अप्रैल क्योंकि पासबुक ने फर्स्ट अप्रैल को ऐसे डेबिट किया और यह डिसोनर का एंट्री कैश बुक में कब हुआ फिफ्टींथ अप्रैल? कम अगेन हम बी कब बना रहे हैं सर थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले चेक डिपॉजिट हो गया था क्या यस yes, सर थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले वो कैशबुक में डेबिट और पासबुक में क्रेडिट भी हो गया था dishonor का एंट्री थर्टी फर्स्ट मार्च तक सोचिए जरा dishonor का एंट्री मार्च तक कैशबुक में सॉरी पासबुक में हो गया था क्या नहीं सर पासबुक में एंट्री फर्स्ट अप्रैल को हुआ है फर्स्ट अप्रैल तक थर्टी फर्स्ट मार्च तक आई एम सॉरी थर्टी फर्स्ट मार्च तक पासबुक में डिसऑनर का एंट्री नहीं हुआ था एंड कैशबुक में तो फिफ्टीन अप्रैल को हुआ मतलब ये डिसऑनर का एंट्री कैशबुक में भी 31 मार्च तक नहीं हुआ था तो कैश बुक दोनों जगह रिकॉर्ड होना बाकी है तो क्या ये की एंट्री के कारण कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है क्या कम अगेन क्या ये डिसऑनर की एंट्री के कारण डिसऑनर की एंट्री के कारण कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है क्या नहीं सर क्यों नहीं क्योंकि दोनों बुक में एंट्री नहीं हुआ है तो इसके कारण डिफरेंस नहीं आएगा और अगर इसके कारण डिफरेंस नहीं आ रहा है तो यह बी में रिकॉर्ड भी नहीं होगा रिमेंबर बी में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करनी है खाली वो एंट्री जिसके कारण दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है अगर ये एंट्री दोनों बुक्स में रिकॉर्ड होना बाकी है दोनों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली इस एंट्री के कारण बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो ये एंट्री ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन बी में रिकॉर्ड नहीं होगा क्लियर है आगे बढ़ते रिमेंबर दिस कोई ऐसा एंट्री है कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका दोनों बुक में एंट्री हो गया है या फिर दोनों बुक में एंट्री नहीं हुआ है हम वो दोनों केसेस में ट्रांजेक्शन बी आर एस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे दोनों बुक में एंट्री हो गया है तो भी उसके कारण बैलेंस में डिफरेंस नहीं आता है दोनों बुक में एंट्री बाकी है तो भी उसके कारण बैलेंस में डिफरेंस नहीं आता है रिमेंबर बीआरएस बना के गलतियां सुधारनी नहीं है हमको बी आर एस इज नॉट रेक्टिफाइंग एरर्स बी आर एस खाली वो एंट्रीज बताता है जिसके कारण बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है तो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का एंट्री दोनों बुक में नहीं हुआ है मतलब इस पर्टिकुलर डिसऑनर की एंट्री के कारण हमारे बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है तो इसे हम बी आर एस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन नेक्स्ट एंट्री पे जाएंगे

कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ है सर करेक्ट डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं हुआ है मतलब वो हमें बी में डेबिट करना है वो हमें बी में डेबिट करना है मतलब सोचो एड करना है कि लेस करना है स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट था तो ऑल डेबिट आइटम्स विल बी एडेड क्रेडिट विल बी डिडक्टेड यहां हमें बी आर एस में डेबिट करने की जरूरत है मतलब एड करने की जरूरत है इंटरेस्ट collected बाय बैंक तो डेबिट क्रेडिट ही सोच रहे हैं एंड डिपेंडिंग ऑन डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है हमें एड या लेस डिसाइड करना है थर्ड पॉइंट आउट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड पेड इन बाय मिसेस रानी इन कैश एंड बाय चेक्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन चेक अमाउंटिंग टू सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वर कलेक्टेडी थाउजेंड फाइव हंड्रेड के कैश और चेक डिपोजिट किए गए मतलब ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैश बुक में डेबिट किया गया उसमें सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंथ को पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है मतलब सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अप टू 31 मार्च पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था मतलब 7500 का एंट्री अप टू 31 मार्च पासबुक में बाकी था किस तरफ बाकी था क्रेडिट साइड बाकी था मतलब ये 7500 हमें बीआरएस में क्रेडिट करना है क्लियर ये 7500 बीआरएस में क्रेडिट करना है तो अब बोलो ऐड करना है कि लेस करना है करेक्ट लेस करना है ऑपोजिट साइड इफेक्ट देना है Deposited but not cleared. Third, sorry, fourth point out of checks amounting to seven thousand eight hundred.

तो वो 2500 के चेक्स का एंट्री 31 मार्च तक पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी है कहां रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में कहा बाकी है पासबुक में किस तरफ बाकी है डेबिट साइड बाकी है सर तो 2500 हमको बीआरएस में डेबिट करना पड़ेगा क्लियर 2500 बीआरएस में डेबिट करना है तो अब डिसाइड करो ऐड करना है कि लेस करना है ऐड करना है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है तो सेम साइड सारा ऐड होगा अपोजिट साइड सारा माइनस होगा ऑल डेबिट आइटम्स इन बी आर एस विल बी एडेड ऑल क्रेडिट आइटम्स विल बी डिडक्टेड नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट बैंकर्स सीम्स टू हैव गिवन रॉन्ग क्रेडिट ऑफ फाइव हंड्रेड बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट फाइव हंड्रेड का दे दिया है तो हमें कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा डेबिट कैंसल करने के लिए डेबिट करना है मतलब बी में डेबिट करना है बी में डेबिट करना है मतलब एड करना है कि लेस करना है एड करना है रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक सेम वे सेम वे किसी दूसरे अकाउंट का चेक पासबुक में डेबिट भी कर दिया है रॉन्ग डेबिट थ्री हंड्रेड का दे दिया है रॉन्ग डेबिट है तो उसको कैंसल करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा मतलब 300 का चेक बीआरएस uh, में किस तरफ रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड 300 का चेक बीआरएस में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा मतलब ऐड होगा कि लेस होगा लेस होगा रॉन्ग डेबिट गिवन इन पासबुक क्स्ट अ चेक ऑफ रुपीज थाउजेंड एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक चेक थाउजेंड रुपीज का हमने कैश बुक में एंटर कर दिया है ओमिटेड टू बी बैंक मतलब वो हमने बैंक में डिपोजिट ही नहीं किया है चेक मिला कैशबुक में डेबिट कर दिया होगा डिपोजिट नहीं किया है मतलब पासबुक में एंट्री बाकी है किस तरफ बाकी है सर क्रेडिट साइड बाकी है मतलब ये थाउजेंड हमको बीआरएस में क्रेडिट करना है थाउजेंड बीआरएस में क्रेडिट करना है मतलब ऐड करना है कि लेस करना है लेस करना है चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड next. a bill receivable for 5200. previously, there is a printing error. please rectify that. galti sudharo. previously discounted. it is not dishonored. it is previously discounted. please rectify that. the bill receivable of 5200. previously discounted. discount being 200. with the bank, had been dishonored. बट एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन फर्स्ट अप्रैल हमने एक बिल था जो बैंक से डिस्काउंट करवाया था 5,200 का बिल था बैंक को दे दिया और बैंक से बदले में पैसे ले लिए बैंक ने क्या पूरे 5,200 दिए नहीं बैंक ने 200 डिस्काउंट काट लिया उनका चार्जेस डिडक्ट कर लिया हमको कितना पे किया 5,000। अब वो बिल डिसऑनर हो गया है. अगर वो डिस्काउंट कराया बिल डिसऑनर हो जाए तो बैंक ने जितना भी पैसा हमको दे दिया था सारा पैसा बैंक हमसे वापस ले लेगी एक मिनट फाइव थाउजेंड वापिस लेगी कि फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड वापिस लेगी फाइव थाउजेंड लेगी कि फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड लेगी सर बैंक तो पूरा बिल का अमाउंट वापिस ले लेगी मतलब बैंक हमसे कितना पैसा वापिस ले लेगी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड और ये फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड जो बैंक वापिस ले रही है क्योंकि बिल डिसऑनर हो रहा है इसका इंफॉर्मेशन इसका एडवाइस नोट अभी तक कस्टमर को नहीं मिला है ट्रेडर को नहीं मिला है डिसऑनर ऑफ बिल का एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है बोल सकते हैं चेक बिल uh, हो रहा है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कम हो रहा है बैंक सारा पैसा वापिस ले रही है तो कैश बुक में किस तरफ एंट्री होना बाकी है क्रेडिट साइड मतलब दिस फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड विल बी क्रेडिटेड इन बी आर एस दिस फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड विल बी क्रेडिटेड matlab added or deducted will be deducted bill receivable discounted and dishonored next a bill of rupees 10000

और क्योंकि बिफोर ड्यू डेट पे कर दिया है वो बिल पे हमें रिबेट मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है कितना मिल रहा है रिबेट 175 मतलब हमें क्योंकि हम जल्दी पे कर रहे हैं 175 कम पेमेंट देना है तो 10,000 का बिल इसका मतलब हमने पे किया बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 9825 हमने 10,000 का बिल पे किया एट अ रिबेट ऑफ 175 मतलब पेमेंट एक्चुअली कितना दिया 9825 तो इन अवर कैश बुक पेमेंट दिया है तो 9825 क्रेडिट होना चाहिए पैसा गया. 9825 कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए बट सेइंग क्या गलती किया है फुल अमाउंट ऑफ बिल पूरा दस हजार रुपए उन्होंने कैश बुक में क्रेडिट कर दिया है। कितना क्रेडिट करना चाहिए था 9825 कितना क्रेडिट कर दिया है 10000 क्या बोल सकते हैं 175 ज्यादा क्रेडिट कर दिया है मतलब 175 ये क्रेडिट साइड में प्लस करना है कि माइनस करना है ज्यादा क्रेडिट कर दिया है मतलब 175 माइनस करना है तो इसका इफेक्ट डेबिट साइड देना पड़ेगा ना 175 डेबिट करना पड़ेगा ना बीआरएस में 175 डेबिट करना है मतलब ऐड करना है Wrong amount credited in cash book. Wrong amount credited in cash book. Then ninth, ninth adjustment. Last adjustment. चेक ऑफ टू थाउजेंड फोर हंड्रेड डिपोजिटेड इन बैंक बट वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक दिसक वॉज कलेक्टेड बाई बिपोजिट किया है कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है ऑल दो बैंक ने कलेक्ट कर लिया है थर्टी फर्स्ट मार्च तक बैंक ने कलेक्ट कर लिया है थर्टी फर्स्ट मार्च तक मतलब बैंक ने पासबुक में थर्टी फर्स्ट मार्च तक इसका एंट्री दे दिया है ये चेक ये बिल कहां रिकॉर्ड होना बाकी है कैशबुक में रिकॉर्ड होना बाकी है चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैशबुक में किस तरफ बाकी है सर डेबिट साइड बाकी है मतलब बी आर एस में ट्वेंटी फोर हंड्रेड हमको डेबिट करना है डेबिट करना है मतलब वापस एड करना है तो चेक डिपोजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक 2,400. तो टोटल कितना ऐड करना है हमको एट थ्री सेवन फाइव एड करना है टोटल कितना लेस करना है फोर्टीन थाउजेंड हमको लेस करना है Thirty three five seventy five plus eight three seven five thirty three five seventy five plus eight three seven five to so thirty three and eight forty one forty one nine fifty minus fourteen thousand it comes to twenty seven nine fifty. We started with स्टार्टेड विथ बैलेंस ऑफ पासबुक तो दिस आंसर इज बैलेंस ऑफ कैश बुक वेदर वी स्टार्टेड विथ बैलेंस और ओवर ड्राफ्ट ओवर ड्राफ्ट और आंसर हमारा पॉजिटिव ही है तो दिस ट्वेंटी सेवन नाइन फिफ्टी इज नथिंग बट बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक थड एज वेल एज इन एड एंड मेथड वी आर डूंग सेम थिंग प्रेजेंटिंग एड लेस में एड और लेस लिखते हैं तो प्रेजेंटेशन खाली चेंज हो रहा है मेथड या कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है क्लियर है सबको अब एक चीज ध्यान रखना है आप स्टार्ट कर रहे हो विथ ओवर ड्राफ्ट एंड सपोजिंग सपोजिंग योर आंसर हियर कम्स निगेटिव आर स्टार्टिंग विद ओवर ड्राफ्ट और एड और लेस करने के बाद आपका आंसर निगेटिव हो गया मतलब ओवर ड्राफ्ट नेगेटिव हो गया तो इट बिकम्स बैंक बैलेंस इट बिकम्स बैंक बैलेंस सेम स्टार्ट करें विध बैलेंस एंड योर आंसर स्टेज पॉजिटिव तो आपका आंसर बैलेंस ही रहेगा बट इफ यू आर स्टार्टिंग विद बैंक बैलेंस और यहां आंसर नेगेटिव हो गया दैट मीन्स इट हैज बिकम ओवर ड्राफ्ट समझ में आया गो थ्रू दी एग्जाम्पल अगेन पॉज दी स्क्रीन गो थ्रू दी एग्जाम्पल अगेन देन विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कॉपी आई होप एड एंड लेस मेथड इज नाउ क्लियर टू एवरी वन कुछ भी डिफरेंस नहीं है सोचना सेम वैसे ही है लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन टू In your past exams, question 2. Question 2 Prepare a bank reconciliation statement from the following particulars on 31st March 2018. We are preparing BRS as on 31st March 2018. क्वेश्चन टू स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग तो फर्स्ट पॉइंट ही दिया है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज नथिंग बट आर बैंक बैलेंस तो वी आर स्टार्टिंग विद बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वी आर स्टार्टिंग विद बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक बैलेंस एज़ पर कैश बुक इज़ डेबिट बैलेंस तो आर स्टार्टिंग पॉइंट इज़ अ डेबिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट अगर डेबिट बैलेंस है तो वो सारी चीजें जो बीआरएस में डेबिट करनी है दे विल बी एडेड वो सारी चीजें जो बीआरएस में क्रेडिट करनी है दोज विल बी डिडक्टेड जो डेबिट करना है वो ऐड हो जाएगा सेम साइड क्रेडिट करना है वो लेस हो जाएगा स्टार्ट करते हैं चेक इशूड टू क्रेडिटर्स नॉट येट प्रेजेंटेड चेक इश्यू कर दिया है मतलब कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया है प्रेजेंट नहीं हुआ है मतलब कहना है पासबुक में डेबिट होना बाकी है पासबुक में डेबिट होना बाकी है तो बीआरएस में भी डेबिट करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा मतलब ऐड होगा कि लेस होगा ऐड होगा सेम साइड इफेक्ट दे रहे हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड Check issued but not presented. It is three lakh sixty thousand. Next transaction, next entry. Dividend received by bank but not entered in cash book. Dividend collect किया है, balance बड़ा है, तो cash book में किस तरफ entry नहीं हुआ है? Debit side entry नहीं हुआ है। मतलब BRS में किधर record होगा? डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड मतलब अगेन ऐड हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रही है मतलब दे रही है हमको तो बैंक ने इंटरेस्ट पासबुक में क्रेडिट किया होगा बैंक ने अलाउ किया है मतलब पासबुक में क्रेडिट किया होगा तो कहा एंट्री बाकी है कैशबुक में बाकी है किस तरफ एंट्री बाकी है डेबिट साइड एंट्री बाकी है तो अगेन वी नीड टू डेबिट दिस इन बी डेबिट इन बी मतलब अगेन वी नीड टू एड इट इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक इंटरेस्ट अलाउड इज सिक्स टू फाइव जीरो नेक्स्ट चेक्स डिपोजिटेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक चेक डिपोजिट कर दिया है कलेक्ट नहीं किया है चेक डिपॉजिट किया मतलब कैशबुक में डेबिट कर दिया कलेक्ट नहीं हुआ तो पासबुक में क्रेडिट होना बाकी है क्रेडिट होना बाकी है मतलब बीआरएस में किस तरफ रिकॉर्ड होना बाकी है क्रेडिट साइड क्रेडिट करना है मतलब दैट विल बी डिडक्टेड चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड उ मच इज दूस सेवन लैख सेवेंटी थाउजेंड नेक्स्ट बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक बैंक चार्जेस कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्रेडिट साइड तो बी आर एस में अगेन क्रेडिट करना है क्रेडिट करना है मतलब अगेन लेस करना है Bank charges not recorded in cash book. Bank charges not recorded in cash book 1000. Fidya check deposited into bank but dishonored. नो इंटीमेशन रिसीव्ड चेक डिपॉजिट किया था कैश बुक में डेबिट कर दिया था dishonor अगर हो गया है तो उसे कैश बुक में क्रेडिट कर देना चाहिए क्योंकि उसका इंटीमेशन बैंक से नहीं मिला है वी वुड से से का बैंक नहीं मिला है वी वुड से कैश बुक में कैंसलिंग एंट्री पास होना बाकी है किस तरफ बाकी है कैश बुक में एंट्री क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड मतलब ऐड करना है कि लेस करना है लेस करना है चेक रिसीव्ड And dishonored not recorded in cash book one lakh sixty thousand Last. बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन ऑन आर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम बैंक बैंक ने ये वन वन सेवेंटी फाइव का पेमेंट हमारे बिहाफ पर दे दिया है हमको इंटीमेशन नहीं मिला है मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है पेमेंट दे दिया है तो कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्रेडिट साइड तो बी आर एस में हमको क्या करना है क्रेडिट करना है क्रेडिट करना है मतलब ऐड करेंगे कि लेस करेंगे लेस करेंगे सर हाउस टैक्स पेड बाय बैंक टोटल हाउ मच इज टू बी एडेड सिक्स लैक् सिक्सटीन थाउजेंड टू फिफ्टी विल बी एडेड तो ट्वेंटी फोर लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी सेवन लैख नाइन थर्टी टेन थर्टी लैख सिक्स विल लैख द बैलेंस स्टार्ट किया था बैलेंस से आंसर पॉजिटिव आ रहा है लेकिन तो ये बैलेंस ही है बट दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक बैंक बैलेंस एज पर पासबुक सो पॉज दी स्क्रीन कॉपी दी क्वेश्चन आई होप एवरी वन इज गेटिंग दिस सो फ्रेंड्स लेट्स मूवाइड आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पास्ट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन थ्री वी वुड बी अगेन सॉल्विंग इट बाय एड एंड लेस मेथड में

वॉट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में दिया है बैंक पासबुक हैड अ डेबिट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑन थर्टी जून पासबुक इज है इज नथिंग बट बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमको बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेंस बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज अ डेबिट बैलेंस क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है ऑल डेबिट आइटम्स इन बी आर एस क्या करेंगे हम लोग एड ऑल क्रेडिट आइटम्स इन बी आर एस हम लोग लेस करेंगे लेट स्टार्ट सेकेंड पॉइंट चेक वर्थ रूपीज फोर हंड्रेड डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय कस्टमर बट नो एंट्री वॉज मेड इन कैश बुक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में चेक डिपोजिट किया है. अगर कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में चेक डिपोजिट किया है मतलब ये पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है कैश बुक में बाकी है किस तरफ बाकी है डेबिट साइड बाकी है सर तो बी में हमको डेबिट करना है डेबिट करना है मतलब एड करना है amount directly deposited amount directly deposited by customer next out of checks issued worth rupees 34000

लेकिन बैंक को दिया ही नहीं है मतलब बैंक में डिपोजिट नहीं किया है तो पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है किस तरफ नहीं हुआ है क्रेडिट साइड नहीं हुआ है तो फोर थाउजेंड बी क्रेडिटेड फोर थाउजेंड क्रेडिट करेंगे मतलब लेस करेंगे चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपोजिटेड

टू थर्टी जून फोर्टीन थाउजेंड के चेक कलेक्ट हो गए मतलब के 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 पासबुक पासबुक में में क्रेडिट क्रेडिट हो गए तो वी वुड सिंपली से के चेक्स में होना बाकी है है किया देखिए जुलाई को रिकॉर्ड हुए होना बाकी थे किस तरफ बाकी थे क्रेडिट साइड बाकी थे तो वी नीड टू क्रेडिट सिक्स थाउजेंड इन बी आर एस क्रेडिट सिक्स थाउजेंड इन बी आर एस मतलब लेस करेंगे चेक्स डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड देन दे आर सींग बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 600 हंड्रेड विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक ने 600 का डायरेक्ट पेमेंट किया है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है अच्छा कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो 600 हंड्रेड बी आर एस में क्रेडिट करना है क्रेडिट करना है मतलब वापस लेस करना है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन बुक नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक 1600 वाज अगेन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने चार्ज किया है मतलब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने हमसे लिया है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है किस तरफ क्रेडिट साइड तो हमको 1600 अगेन क्रेडिट करना है बी में मतलब लेस करना है Interest on overdraft not recorded in cash book. Next, bank charges worth rupees 80 have been entered twice in cash book. बैंक चार्जेस एटी रुपीस का कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है लेकिन दो बार रिकॉर्ड हो गया है एक बार करेक्टली रिकॉर्ड होना ही चाहिए एक बार जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया है वो कैंसल करना पड़ेगा वो एक्स्ट्रा जो क्रेडिट हो गया है उसे कैंसल करने के लिए इफेक्ट डेबिट साइड देना पड़ेगा मतलब एटी रूपीज डेबिट करना है बीआरएस में ऐड करना है बीआरएस में बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक इंश्योरेंस चार्जेस फॉर सेवेंटी डायरेक्टली पेड बाय बैंक वॉज नॉट एट ऑल एंटर्ड इन कैश बुक इंश्योरेंस चार्जेस जिसका पेमेंट बैंक ने डायरेक्टली दिया है वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है किस तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ है सर क्रेडिट साइड नहीं हुआ है तो इंश्योरेंस चार्जेस बी आर एस में क्रेडिट करना है मतलब लेस करना है इंश्योरेंस चार्जेस

मतलब 2000 का इफेक्ट क्रेडिट साइड ही देना पड़ेगा तो अगेन 2000 विल बी क्रेडिटेड इन बीआरएस क्रेडिटेड इन बीआरएस मतलब एडेड अंडर कास्ट इन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक टोटल कीजिए टोटल फोर्टीन थाउजेंड फोर एट्टी इज टू बी एडेड टोटल हो जाएगा थर्टी नाइन फोर एट्टी एंड फोर्टीन टू सेवेंटी विल बी डिडक्टेड तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू वन जीरो टू फाइव टू वन जीरो we started with what we started with overdraft as per passbook so this balance is nothing but bank overdraft as per cash book bank overdraft as per cash book i hope the method is quite clear now dono method debit credit and add and less pause the frame copy the example and then we'll move on to our last example Yes, friends. Past examination, last question. Question four. Question four in your past examination. We are preparing BRS of a trader as on 30 September. But read the, read the question properly. On 30th September, bank account of XYZ according to bank column of cash book was overdrawn to the extent of 18 to the extent of 8062. There is a printing error. F cancel. It is 8062. An examination of cash book. एंड बैंक स्टेटमेंट रिविल्स दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रीजन ऑफ डिफरेंस इन बैलेंसेस आपको दिए हुए यू आर रिक्वायर्ड टू शो अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायड इन कैश बुक टू अराइव एट करेक्ट बैलेंस ऑन थर्टी से रेक्टिफिकेशन नेरी चेंजेस कैश बुक के बैलेंस में करने हैं करेक्ट फिगर पे पहुंचने के लिए और फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है मतलब क्लियर है हमको पहले एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करना है और फिर बी आर एस बनाना है जस्ट टू रिकॉल अगेन एडजस्टेड कैश बुक अगर बना रहे हैं तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा सर खाली वो ट्रांजेक्शन जो बुक में रिकॉर्ड होने बाकी थे एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद अगर आप बी आर एस बना रहे हो बी तो आर एस में क्या रिकॉर्ड होगा ओनली एंड ओनली एरर्स ऑफ पासबुक आई होप दैट इज क्लियर तो हम लोग सबसे पहले एडजस्टेड कैशबुक यहां प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी आर स्टार्टिंग विद कैश बुक ऑन थर्टी जून ये सारी एरर्स रेक्टिफाई करने से पहले ओपनिंग बैलेंस कैश बुक में कितना दिया है वी आर गिवन ओवरड्राफ्ट ऑफ 8062 ऑन थर्टी जून 2018 ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में दिया है 8062 फर्स्ट ट्रांजेक्शन चेक ऑफ इलेवन लैक वॉज क्रेडिटेड बाई बुक में तो ट्वेंटी नाइन सेप्टेंबर को रिकॉर्ड हो गया है पासबुक में थर्टी सेप्टेंबर तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है पासबुक में अगर थर्टी सप्टेंबर तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो वी वुड से यह ट्रांजेक्शन का एंट्री पासबुक में बाकी है कैशबुक में तो ऑलरेडी हो चुका है तो वो एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा पेमेंट बाय चेक रुपीज एटीन थाउजेंड बिन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक नाउ दिस इज एरर इन कैश बुक पेमेंट था जो कैश बुक में हमने दो बार रिकॉर्ड कर दिया है क्रेडिट साइड तो एक बार तो क्रेडिट साइड आना ही चाहिए एक बार जो एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट किया जाएगा एटीन थाउजेंड टू सप्लायर और टू क्रेडिटर थर्ड ऑन ट्वेंटी नाइन सेप्टेंबर बैंक credited an amount of 115400 received from customer but advice was not received advice not received मतलब trader को इस transaction के बारे में पता नहीं है मतलब cash book में entry record नहीं हुआ है तो cash book में record कर देंगे हम लोग check received from customer cash book में debit side Bank charges amounted to 280, not entered in cash book. So we will now enter, we will now record that in cash book. Bank charges balance reduce or credit side. On 6 September, bank credited 30,000 to XYZ in error. Bank credited in error.

कैश बुक तो ये डिसऑनर का एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है जब बिल डिस्काउंट करवाया था पैसा मिला था हमने कैश बुक में डेबिट किया होगा अब ये बिल क्योंकि डिसऑनर हो गया है हमें एंट्री कैंसिल करना पड़ेगा अगेन इसे कैश बुक में क्रेडिट करना पड़ेगा बाय कस्टमर नेक्स्ट चेक इशूड ऑन थर्टी सेप्टेंबर वॉज नॉट प्रेजेंटेड चेक इश्यू किया तब कैशबुक में लिख दिया प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब एंट्री कहां बाकी है पासबुक में बाकी है कैशबुक में तो हो चुका है तो यह पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करेक्टेड कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं होगा अ बिल्स पेबल ऑफ टू लैक हैड बिन पेड बाय बैंक बट वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक बिल्स पेबल का पेमेंट बैंक ने किया है कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है तो एंट्री कर देंगे बाय बिल्स पेएबल पैसा दिया है मतलब बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट साइड एंड अ बिल रिसीवेबल ऑफ सिक्सटी थाउजेंड हैड बिन डिस्काउंटेड बाय बैंक डिस्काउंटेड विद बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ वन थाउजेंड मतलब हमने 60000 का बिल बैंक को दिया एंड इन एक्सचेंज बैंक से उसका पैसा ले लिया बैंक ने 1000 चार्ज किया हमसे मतलब बैंक ने वो 60000 के बिल के बदले में पूरा 60000 नहीं दिया 1000 का उसका कॉस्ट उसका खर्चा डिडक्ट कर लिया हमको कितना पेमेंट दिया 59000 सर और ये जो बिल डिस्काउंट हमने बैंक से करवाया है अगेन ये कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है बिल डिस्काउंट किया है तो पैसा मिल रहा है हमको कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड होना बाकी है 60, 1, कितना पेमेंट मिल रहा है हमको फिफ्टी नाइन थाउजेंड तो वी हैव डन ऑल रेक्टिफिकेशन दैट वर रिक्वायर्ड इन कैश बुक जो भी गलतियां कैश बुक में थी जो भी एंट्रीज कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी थी वो सारी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर दी है तो करेक्ट बैंक बैलेंस कितना मिलेगा हमको थ्री लैख सिक्सटी एट थाउजेंड थ्री लैख सिक्सटी एट थाउजेंड थ्री फोर टू उज नाइन फोर्टी टू करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक एज पर एडजस्टेड कैश बुक इज वन सेवेंटी फाइव नाइन फोर्टी टू एंड नाउ टेकिंग दिस करेक्ट बैंक बैलेंस वी विल प्रिपेयर आर बी आर एस ये करेक्ट बैंक बैलेंस को लेकर अब हम अपना बी आर एस बना देंगे स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा स्टार्ट कहां से करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद दिस बैलेंस दिस करेक्ट बैलेंस दैट इज नथिंग बट बैंक ओवरड्राफ्ट टेस्ट पर कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट पर कैश बुक वन लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड नाइन फोर्टी टू एंड क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस होता है जो भी बी आर एस में क्रेडिट करना है दैट विल बी एडेड हियर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट जो भी करेंगे विल बी एडेड डेबिट जो भी करेंगे बीआरएस में विल बी डिडक्टेड वो हम लोग माइनस करेंगे तो बीआरएस में जो भी क्रेडिट होगा वो ऐड करेंगे बीआरएस में जो भी डेबिट होगा वो हम माइनस करेंगे चलिए अगेन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन ग्यारह लाख चौदह हजार का चेक चेक फॉर इलेवन लैक फोर्टीन थाउजेंडिपेड ऑन ट्वेंटी ओनली ऑन थर्ड अक्टूबर, मतलब इलेवन लैक फोर्टीन थाउजेंड का चेक डिपोजिट तो हो गया था बैंक ने पासबुक में क्रेडिट नहीं किया था तो अब हमको क्रेडिट करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा मतलब ऐड करना पड़ेगा सेम साइड इफेक्ट दे रहे हैं तो ऐड करेंगे चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड सेकेंड पेमेंट बाय चेक नॉट रिकॉर्डेड और एंटर ट्वाइस इन कैश बुक दैट वॉज एन एरर इन कैश बुक ये गलती कैश बुक में थी जो हम ऑलरेडी रेक्टीफाई कर चुके हैं तो अब ये बी आर एस में रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है थर्ड ऑन ट्वेंटी नाइन सेप्टेंबर बैंक क्रेडिटेड वन फिफ्टीन फोर हंड्रेड रिसीव फ्रॉम कस्टमर जिसका इंफॉर्मेशन XYZ कंपनी के पास नहीं था अगेन ये ट्रांजेक्शन कैशबुक में रिकॉर्ड होना बाकी था जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं मतलब इस ट्रांजेक्शन के कारण अब कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा तो ये भी BRS में रिकॉर्ड नहीं होगा बैंक चार्जेस 280 का नॉट एंटर्ड इन कैश बुक वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड नाउ बी में रिकॉर्ड नहीं होगा ऑन सिक्स सेप्टेंबर बैंक क्रेडिटेड 30,000 इन एरर नाउ दिस इज एन एरर दिस इज अस्टेक इन पासबुक बैंक ने सिक्स थाउजेंड रुपीज इन एरर क्रेडिट कर दिया है सॉरी थर्टी थाउजेंड रुपीज इन एरर क्रेडिट कर दिया है तो हमें रेक्टिफाई करने के लिए थर्टी थाउजेंड डेबिट करना पड़ेगा मतलब बी आर एस में थर्टी थाउजेंड डेबिट होगा बी आर एस में थर्टी थाउजेंड डेबिट होगा मतलब एड होगा कि लेस होगा लेस होगा लेस करेंगे अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक फिर अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ वन लैख सिक्सटी वॉज नॉट रिकॉर्डेड वेयर इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड अगेन इन कैश बुक एंड वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इट इन कैश बुक नाउ, तो इसके कारण अभी बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा चेक इशूड अप टू थर्टी किया प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब बुक में क्रेडिट हो गया पासबुक में डेबिट होना बाकी है पासबुक में डेबिट होना बाकी है तो बी आर एस में डेबिट करना पड़ेगा बी आर एस में डेबिट करना है मतलब लेस करना पड़ेगा वापस चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड थर्टीन लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड

एड करेंगे थर्टीन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड लेस करेंगे तो एट सिक्स जीरो फाइव एट एट सिक्स जीरो फाइव एट लेकिन देखिए आंसर नेगेटिव आ रहा है हमने स्टार्ट किससे किया था देखिए ओवरड्राफ्ट से तो जो भी आंसर आ रहा है वो एस पर पासबुक होगा नेगेटिव ओवरड्राफ्ट अगर आ रहा है तो नेगेटिव ओवरड्राफ्ट विल बिकम वॉट इट विल बिकम आर बैंक बैलेंस तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और क्योंकि बैलेंस लिख रहे हैं नेगेटिव साइन का कोई जरूरत नहीं है ओवरड्राफ्ट लिखते तो नेगेटिव साइन के साथ ओवरड्राफ्ट शो करते आई होप समझ में आया सबको तो गो थ्रू दरली पॉज दी फ्रेम कॉपी द एग्जाम्पल फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जाएंगे